नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। बांदरी नगर परिषद बांदरी में आगामी समय में पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देश पर बांदरी सीएमओ राजेश महतेले ने आने वाले दिनों में पेयजल की आपूर्ति के लिए टैंकरों सहित पेयजल आपूर्ति के प्वाइंट को चिन्हित किया। इस बार पेयजल आपूर्ति के लिए टैंकरों को नए स्वरूप में पेंट किया गया। परिषद में उलव 28 टैंकरों पर एक ही कलर पेंट कर उस पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का फोटो लगाया गया है। नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि विश्वनाथ सिंह, सीएमओ राजेश महतेले, उपयंत्री अभिषेक कन्नौजिया नगर के उस स्थलों का निरीक्षण किया जहां पर पानी की टंकी की पाइपलाइन से पानी नहीं पहुंचता है, साथ ही जल आपूर्ति के लिए जगह भी चिन्हित कर रहे हैं। मुकेश राय, बांदरी। सर, गर्मी आने वाली है, पेयजल की व्यवस्था के लिए क्या व्यवस्था की है इस बार? जैसा कि यहाँ पर आपने देखा है, अभी हमारे 28 टैंकर रेडी हैं जी, और जो माननीय मंत्री जी के हमारे निर्देश प्राप्त हुए हैं कि आगामी ग्रीष्म ऋतु में कहीं भी पेयजल की समस्या ना हो जी। लखन भैया के द्वारा अभी बैठक की गई है पेयजल के संबंध में भी जी, और हमारे अध्यक्ष जी लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं जी, और हम सारे प्लान बना लिए हैं जो कि शीघ्र ही एक बैठक करके हम इसको अमल में ले आएंगे। लगभग कितने टैंकरों से पानी सप्लाई किया जाएगा सर? हमारे बांदरी क्षेत्र अंतर्गत 28 टैंकर हमारे पास अभी वर्तमान में उपलब्ध हैं जी, जिससे हम यहाँ पर पेयजल वितरण करेंगे जी। उसके बाद हमें जिस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी जी, उस हिसाब से और टैंकर भी लगा लेंगे जी।